नमस्कार, मैं हूं तुहिन सिन्हा और मैं आपके लिए लेकर आया हूं साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। ऐसी कहानियां जो समाज और देश के लिए है एक मिसाल। भारत की गिनती चावल के सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में होती है। हमारे देश में हर साल लगभग 90 मिलियन टन चावल की उपज होती है। विश्व भर में पैदा होने वाले चावल का लगभग 20% हिस्सा हमारे देश में उगता है। चावल हमारे देश के पूर्वी राज्यों के लोगों को खास पसंद है और बंगाल, बिहार, झारखंड, असम इत्यादि ऐसे कई राज्य हैं जहां लोग भोजन में सिर्फ चावल ही खाना पसंद करते हैं। इसके बावजूद भारत का कुल राइस प्रोडक्शन यानी चावल उत्पादन विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में चावल का प्रति हेक्टर यील्ड या आउटपुट भी विश्व स्तर से काफी नीचे है। भारत में चावल का प्रति हेक्टर उपज 2.3 टन्स है, जबकि इसका विश्व औसत है 4.3 टन। विश्व के अन्य बड़े चावल उत्पादन करने वाले देश भारत से काफी आगे हैं। चाइना का कुल चावल उत्पादन 197 मिलियन टन है, जबकि उनके यहाँ प्रति हेक्टर आउटपुट है 6.5 टन। ऑस्ट्रेलिया का प्रति हेक्टर चावल उत्पादन है 10.1 टन, यूएस का 7.5 टन और रशिया का 5.2 टन। भारत में इस कमजोर चावल उत्पादकता के पीछे कई कारण है। कहीं अपर्याप्त बारिश है तो कहीं बाढ़, कहीं सिंचाई की सुविधा पर्याप्त नहीं होती तो कहीं किसानों को कृषि के नए तरीकों का ज्ञान नहीं होता। ऐसे में अगर किसी किसान ने चावल की रिकॉर्ड प्रति हेक्टर खेती कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है तो निश्चित तौर पर वो इंसान पूरे समाज और देश के लिए है एक मिसाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के नालंदा जिले के दरवेशपुरा गांव के एक ऐसे किसान की जिसने 2011 में 22.4 टन्स, जी हाँ 22.4 टन प्रति हेक्टेयर चावल की उपज कर पूरे विश्व को अचंभित कर दिया। कौन है ये आम किसान जो अब एक मिसाल है? कौन है ये शख्स जो आज पूरे देश के किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है? जानने के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल। 2011 की बात है। पिछले साल अच्छी बारिश हुई थी और सुमंत कुमार को उम्मीद थी कि पिछले साल के 4 या 5 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार से इस बार चावल की पैदावार कहीं बेहतर होगी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये पैदावार उन्हें एक विश्व रिकॉर्ड धारी बना देगी। कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। सुमंत कुमार ने 6 या 8 टन नहीं, 10 या 15 टन भी नहीं, यकीन मानिए उन्होंने 22.4 टन चावल 1 हेक्टेयर जमीन पर उपजाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इससे पहले चाइना के कृषि विशेषज्ञ युआन लॉन्ग पिंग, जो कि विश्व में फादर ऑफ राइस के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने प्रति हेक्टेयर 19.4 टन चावल की उपज की थी। यूरोप या अमेरिका के सबसे बेहतरीन चावल विशेषज्ञ भी इस प्रकार की उत्पादकता कायम नहीं कर पाए। गौरतलब है कि सुमंत कुमार को उस वक्त अच्छे क्वालिटी के हर्बिसाइड्स भी उपलब्ध नहीं थे। जब आसपास के गांव में सुमंत कुमार की इस उपलब्धि की खबर पहुंची तो सभी लोग झूम उठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका छोटा सा गुमनाम गांव अब पूरे विश्व में मशहूर होने वाला है, पर अभी रास्ते में कुछ बाधाएं बाकी थी। बिहार की कृषि यूनिवर्सिटीज को सुमंत की इस उपलब्धि पर पूरा भरोसा नहीं था, जबकि भारत के कुछ वरिष्ठ चावल विशेषज्ञों को तो इस बात का भी शक था कि ये रिजल्ट गलत और झूठे हैं। फिर बिहार सरकार के एक वरिष्ठ कृषि अधिकारी जो खुद एक किसान है, वो इस गांव में आए और उन्होंने खुद सुमंत की 22.4 टन की उत्पादकता के दावे की पुष्टि की और तब जाकर सुमंत की उपलब्धि पर सही मायने में मोहर लगाई गई। सुमंत ने ये रिकॉर्ड तोड़ चावल की पैदावार कैसे हासिल की, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 पिग एफएम। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ।
वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और मिसाल में आज मैं आपको बता रहा हूं नालंदा जिले के एक ऐसे किसान सुमंत कुमार की कहानी जिसने रिकॉर्ड तोड़ चावल की उपज कर पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। सुमंत ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की? क्या उन्हें प्रशिक्षण दी गई या फिर सिर्फ एक फ्लूक यानी किस्मत का खेल था ये? दरअसल सुमंत ने एक नायाब तरीके की खेती को अपनाया जिसे हम सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन अर्थात SRI के नाम से जानते हैं। इसमें जो नई बात है वो मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पर चावल की खेती करने वाले किसान पारंपरिक तरीके के तहत 3 हफ्ते पुराने चावल के बीजों को 3-4 टुकड़ों में बांट कर उन्हें आसपास भीगी खेतों में बोते हैं। पर इस नए तरीके के तहत दरवेशपुरा के किसानों ने 3 हफ्ते रुकने के बजाय केवल 1.5 या 2 हफ्ते पुराने बीज लिए और इन्हें साधारण से आधी संख्या में अच्छी तरह खेतों में वितरित कर दिया। एक ग्रिड वाले पैटर्न में इन्होंने 2 पौधों के बीच तकरीबन 25 सेंटीमीटर का फासला रखा जिससे कि पौधों के जड़ों में अच्छी धूप और हवा हमेशा प्राप्त हो सके। इस नायाब तरीके की खेती का असर आज पूरी दुनिया देख रही है, पर सुमंत और दरवेशपुरा के किसानों को इसकी प्रशिक्षण मिली राज्य सरकार के कृषि विभाग के एक अफसर राजीव कुमार से, जबकि राजीव कुमार को इसकी ट्रेनिंग मिली अनिल वर्मा से जो कि प्राण यानी प्रिजर्वेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ रूरल रिसोर्सेज इन नेचर नाम की एक NGO चलाते हैं। इस NGO ने SRI को यानी सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन को सैकड़ों गांवों में इंट्रोड्यूस कर बिहार में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया है। सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन की शुरुआत दरअसल कहां से हुई थी ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 PKFM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मैं आपको बता रहा हूं दरवेशपुरा गांव के सुमंत कुमार की कहानी जिन्होंने अपने खेत में रिकॉर्ड तोड़ चावल की उपज कर एक मिसाल कायम कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया है इस रिकॉर्ड तोड़ उपज का श्रेय जाता है SRI तकनीक को यानी सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन, और हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन के उपरांत हम इसे देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल ब्रेक थ्रू कह सकते हैं। इस सिस्टम की शुरुआत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत 1980s में मेडगास्कर हुई थी जहां हेनरी डी लॉलेनी जो कि एक फ्रेंच पादरी थे उन्होंने गौर किया कि किस तरह वहां के किसान ऊंची जमीनों में चावल की खेती करते हैं, और वहां के कंडीशंस को देखते हुए हेनरी ने एक अलग तरीके से चावल की खेती शुरू की जो बाद में सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन के नाम से मशहूर हुआ। पर SRI को विश्व भर में प्रचलित करने का श्रेय जाता है अमरीकी प्रोफेसर नॉर्मन ओपहॉफ को जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे। जब नॉर्मन ओपहॉफ को एक उद्योगपति ने $15 मिलियन दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर रिसर्च करने के लिए, तो उन्होंने ये सारा पैसा मेडगास्कर में SRI की रिसर्च पर खर्च किया। नॉर्मन स्वयं 1983 में मेडगास्कर गए और उन्होंने जो देखा वहाँ उससे वो बिल्कुल हैरान रह गए। जिन किसानों ने जिंदगी भर 2 टन प्रति हेक्टेयर चावल की उपज की थी SRI अपनाने के बाद वे 8 टन प्रति हेक्टेयर की उपज कर रहे थे। 1997 में नॉर्मन ओपहॉफ ने अपना ध्यान एशिया पर केंद्रित किया और बड़े पैमाने पर उन्होंने SRI को एशिया में प्रचलित करना आरंभ किया। SRI के अपनाने से भारत के चावल उपजाने वाले किसानों को जो लाभ प्राप्त हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 PKFM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और मिसाल में आज मैं आपको बता रहा हूं नालंदा जिले के दरवेशपुरा गांव के किसान सुमंत कुमार की कहानी। सुमंत ने सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन तकनीक को अपनाकर रिकॉर्ड तोड़ चावल की उपज की है। गौरतलब है कि 70 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को अकाल की स्थिति से मुकाबला करने का रास्ता दिखाया था, पर जहां एक ओर ग्रीन रेवोल्यूशन काफी हद तक महंगे पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भर करता था वहीं SRI में कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता। इसके कारण ये तकनीक लॉन्ग टर्म में और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है।
आज जहां विश्व की लगभग 15% आबादी कुपोषण का शिकार है, वहां चावल उत्पाद को बढ़ाने के हर संभव तरीके का स्वागत होना चाहिए। अगर छोटे किसान अपने उत्पाद में 30% की भी वृद्धि ला सकते हैं, तो ये गरीबी हटाने में काफी मददगार साबित हो। सुमंत की उपलब्धि ने किस तरह आसपास के गांवों में भी एक नई ऊर्जा और एक नई हलचल पैदा कर दी, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 पिक FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल। स्वाभाविक है कि चावल के इस रिकॉर्ड तोड़ उपज से सुमंत कुमार की जिंदगी में काफी परिवर्तन आ गए। आज उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, आज सुमंत का परिवार बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान जो मिसाल कायम करता है, वो समाज के कई और लोगों को प्रेरित करता है। सुमंत भी अपने आसपास के गांव के किसानों के लिए बने एक प्रेरणा स्रोत। बगल के गांव में सिर्फ 6 महीने बाद नितिश नाम के एक किसान ने आलू की उपज का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और उसके थोड़े ही दिन बाद एक और किसान रविंद्र कुमार ने गेहूं की उपज का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा। इससे अचानक दरवेशपुरा भारत के मिरेकल विलेज यानी चमत्कारी गांव के नाम से मशहूर हो गया और नालंदा में विशेषज्ञों, सरकारी अफसरों तथा नेताओं की कतार लग गई यहां के चमत्कार को समझने के लिए। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक कृषि विशेषज्ञ से बातें करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 पिक FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। नमस्कार, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। आज हमने बात की है नालंदा जिले के दरवेशपुरा गांव के किसान सुमंत कुमार के बारे में, जिन्होंने सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन तकनीक अपनाकर रिकॉर्ड तोड़ चावल का उत्पादन किया अपने खेतों में। और इस वक्त हमारे साथ हैं नीरज बिरसे, जो कि एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और बिरसा मुंडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची में पढ़ाते भी हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार नीरज जी, आप हमें ये बताइए, भारत की गिनती चावल के सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में होती है, पर हमारा पर हेक्टेयर चावल का आउटपुट या उपज विश्व स्तर से काफी नीचे है, इसके पीछे मूल कारण आपकी नजर में क्या है? इसके मूल कारण है धान की खेती। हमारे यहाँ हर तरह के इकोसिस्टम में की जाती है, जैसे कई बार हम रेनफेड में लगाते हैं जो वर्षा आधारित होती है, कई बार हम वाटर लॉगिंग जहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा होती है वहाँ लगाते हैं, कई बार मध्यम जमीन में, कई बार टाड़ में लगाते हैं ऊपरी जमीन में, कई बार निचली जमीन में। तो जो मिट्टी की क्वालिटी होती है वो भी सारे एक जैसी नहीं होती है, तो कई बार हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन लगाते हैं, कई बार लॉन्ग ड्यूरेशन लगाते हैं, अधिक जो देर तक खेत में रहती है फसल किसमें वो लगाते हैं। तो कई बार इन सारी वजह से हमारा क्षेत्रफल तो बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन कम होने की वजह से वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। लेकिन दूसरे देशों में ऐसी बात नहीं होती, वहाँ का परिवेश, वहाँ का क्लाइमेट एक जैसा होता है। क्या आपको लगता है कि अगर समान शिक्षा प्रदान की जाए किसानों को, तो इस समस्या का निजात पाया जा सकता है? शिक्षा के अभाव के कारण किसानों की दिक्कतें आती हैं? देखा जाए, ये आवश्यक है कि जो किस्में बताई जाती हैं, अगर किस्में बताई जाती हैं ये किसी वजह से जिस खेत में लगनी है उसी खेत में लगनी चाहिए। कई बार आप खेत का उलट फेर करते हैं, यानी किस्मों का उलट फेर करते हैं। अगर कोई जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं उसको आप लेट मतलब नीचे वाली दोन में लगाते हैं, जो जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, पौधे की हाइट नहीं होती है, जल्दी कटने की स्थिति में होती है, वो नहीं पैदावार दे पाती है। तो ये जानना होगा कि किस तरह के खेत में किस तरह की किस्में हम लगाएं ताकि हमको उपज ज्यादा मिले। और ये बड़ा ही आवश्यक होता है, सारी किस्में सारे जिलों में, सारे राज्यों में अच्छा नहीं करती हैं। वैज्ञानिक हर राज्य के लिए अलग किस्में करते हैं, क्योंकि वो हम लोग कहते हैं कि जेनोटाइप और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है, यानी कि इन्वायरमेंट है उसके इन्फ्लुएंस से जो किस्में हैं वो अलग अलग व्यवहार करती हैं। इस राज्य में वही किस्में अच्छा करेंगे, दूसरे राज्य में वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये जानना बड़ा ही आवश्यक है कि किस जगह पे कौन सी किस्में जो रिकमेंडेड है, जो
विश्वविद्यालय जी, तो नीरज जी का मानना है अगर शिक्षा का बेहतर प्रावधान हो किसानों के लिए तो शायद प्रोडक्टिविटी और बढ़ सकती है। नीरज जी से हम बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं नीरज बिरसे जी के साथ, जो एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और रांची के बिरसा मुंडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। नीरज जी एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद नीरज जी। सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन एक तकनीक है जो कि नॉर्थ बिहार में, जो कि नालंदा में और नालंदा के आसपास क्षेत्र में, उससे बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। झारखंड के गांवों में ये कितना प्रचलित है, कितना पॉपुलर है, क्या वहां के किसान भी इस तकनीक का उपयोग करते हैं? दरअसल ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI इसको बोलते हैं और हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में भी ये काफी लोकप्रिय होता जा रहा है, क्योंकि किसानों ने जब इसे लगाया तो इन्हें काफी ज्यादा पैदावार मिली है, काफी ज्यादा उत्पादन उस सिस्टम की वजह से होने लगा है। और ये सिस्टम हम सभी जानते हैं कि बीज दर इसमें कम हो जाता है, कम अवधि की जो धान की जो बिचड़े होते हैं उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं 10 से 12 दिनों में, और ये सघन खेती होती है जो मोनोवीडर हम चलाते हैं बीच बीच में लगाने के 20 दिनों बाद और 10 दिन के अंतराल से। उस मोनोवीडर की वजह से जो धान की जड़े हैं वहां पे वायु का संचार होता है, मिट्टी हल्की होती है और इस वजह से कल्ले जो टीलर्स होते हैं धान के वो बहुत ज्यादा आते हैं। जब कल्ले ज्यादा आएंगे, टीलर ज्यादा आएंगे तो बाली ज्यादा लगेगी, बाली में दाने बहुत आते हैं, इस वजह से उपज बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें हमारे यहाँ संभावना सिर्फ मध्यम जमीन है, हमारे प्रदेश में मध्यम जमीन जो है उसी में ये लगाई जा सकती है और हमारे किसान भी लगा रहे हैं। ऊपरी जमीन और जो निचली जमीन है जहाँ पे हम नहीं लगा सकते क्योंकि निचली जमीन में पानी देर तक लगी रहती है, ऊपरी जमीन में सूखा होने की वजह से वो कोनोवीडर हम चला नहीं सकते हैं, लेकिन जो मध्यम जमीन है उसमें हमारे किसान भाई इसको लगा रहे हैं और अभी हमें लगता है 20-25% किसानों ने ही सिर्फ अभी एडॉप्ट किया है और आने वाले दिनों में ये हम लोग। तो आपके हिसाब से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम आउटपुट जो है पर हेक्टेयर झारखंड के गांवों में कितना गया होगा चावल के उत्पादन? इस वजह से हमें लगता है अगर वो 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज ले पा रहे होंगे तो कम से कम इस SRI की वजह से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज वो ले पा रहे हैं इन दिनों। तो 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का फर्क सिर्फ इस SRI टेक्निक की वजह से हो रहा है और इसमें अमूमन हम हाइब्रिड वेराइटीज लेते हैं और जो मध्यम अवधि की किस्में हैं इसको लेते हैं। ये बड़ा ही ये बिहार की तरह हम यहाँ पे सारे खेतों में नहीं ले पा रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी जो है SRI उसमें थोड़ा सा चेंज कर करके हम, क्योंकि इसमें खेत समतल होने चाहिए, खेत को बहुत अच्छे से तैयार करना होता है, ये प्रीरिक्विजिट है, ये आवश्यक है जो हमारे हमारे यहाँ के सारे खेतों में नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आधे 50% जो खेत है उसमें हम SRI के तहत हम बड़ी आसानी से खेती कर सकते हैं जिसमें अभी सिर्फ 10-15% हमने कवर किया हुआ जी। तो ये थी नीरज बिरसे जी जो बता रहे थे कि सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन, हालांकि एक बहुत बेहतरीन एक तकनीक है चावल उत्पादन का, वो हर जमीन पर लागू नहीं हो पाता है क्योंकि हर जमीन की जरूरतें कुछ और होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नीरज जी किसानों को और बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जिससे कि झारखंड के किसान भी रिकॉर्ड तोड़ पर हेक्टर चावल की आउटपुट दे पाएंगे। तो आज के इस एपिसोड में आपने सुमंत कुमार की कहानी सुनी। अगले रविवार तक का इंतजार कीजिए जब हम एक और मिसाल कायम करने वाले शख्स की कहानी लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ।